स्वपिति मधुरहुं मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परमृतमज ब्रह्मजयतरन्नतो अथर्ववेदीय मांडलिक उपनिषद की द्वितीय प्रकरण वैतत्व प्रकरण। वैतत्व शब्द का अर्थ ही होता है मिथ्या के जो भाव वितथस्य भाव वैतत्व, पहले बोल क्या भगवान ने सुना तो मिथ्या के जो भाव, इसको पहले श्रुति वाक्य के द्वारा उसको निर्णय करके दिखाया। अब जो उसको युक्ति के द्वारा पुष्टि करने के लिए हमारा द्वितीय प्रकरण, द्वितीय प्रकरण में पहले दृष्टांतों को पुष्ट करते हैं। जिस दृष्टांत के द्वारा हम जगत को मिथ्या समझाना चाहते हैं, दृष्टांतों को पहले पक्का करके बैठना चाहते हैं। क्या बैठना चाहते हैं कि जो स्वप्न वस्तु मिथ्या होते हैं। क्यों क्यों मिथ्या होते हैं? क्योंकि जिस स्थान में दिखाई पड़ते हैं वो उसका यथार्थ स्थान नहीं, फिर जिस उपयुक्त काल भी नहीं, फिर क्या है कि कोई संभाव्य प्रमाण भी नहीं, इसके साथ मैं मिला तो वो मेरे को समर्थन भी नहीं करता। केवल इतना ही नहीं, वो आदि अंत वाला है और ग्राह्य ग्राहक अलग निश्चितम मुख्य रूप बोलते हैं। जो ग्राह्य ग्राहक अलग जड़ात्मक है, अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। प्रयोजन का सब प्रयोजन होता, मतलब तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। एक एक काल में थोड़ा बहुत होता है तो बाकी काल में वो काम नहीं करता। इस मतलब इसी का दिखा है संस्कार जन्यत्व जहाँ पे होता है वो भी वस्तु मिथ्या होता है। इस प्रकार से सपनों को सिद्धांतों को समझा करके जागृत भी मिथ्या ऐसा करके आपने कह दिया। जब सारा वस्तु आपने मिथ्या कह दिया तो आपके पास मिथ्या को शुद्ध करने के लिए कोई रहा ही नहीं। जब सारा वस्तु को आपने मिथ्या कह दिया तो मिथ्या को कौन जानना है? बिना जाने यदि आप कोई कहता है मिथ्या तो वो प्रामाणिक नहीं होता, और यदि कोई जान करके बोलता है तो जानने वाला तो है था। अब सभी को मिथ्या बोलेंगे तो आपके निश्चितांत से कह देगा जानने वाला भी मिथ्या हो जाएगा। इस प्रकार से कल जो हम शंका को पढ़े थे कल श्लोक को, उभयोरपि वैतत्वं भेदानां स्थानयोर यदि, यदि भेद अलग मतलब अलग भिन्नता जो दिखाई दे रहा है और जिस स्थान में दिखाई दे रहा है सब यदि अलग, यदि दोनों मिथ्या हो गया, मतलब जागृत जागृत दृष्टा, जागृत दृश्य जागृत दृष्टा, स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा, सारा ही यदि मिथ्या हो गया तो एतान बुद्धते, इसको समझता कौन है भेद को? एतान भेदान बुद्धते, और कौन इस प्रकार से भी मिथ्या देखने के लिए संकल्प किया था? कौन किया था इन वस्तु को देखने? ऐसा शंका होने पर तो 12 नंबर श्लोक से आज उसका उत्तर देंगे, ठीक है ना। कल 11 नंबर तक पूरा पढ़ लिए थे, अब 12 नंबर में देखिए। 12 नंबर श्लोक बोलते हैं यहाँ पे टीकाकार श्लोक के लिए क्या दे रहे हैं, कार्यादि व्यवस्था अनुपत्ति परिहर। हम क्या देखते हैं, कर्ता किसी करण के द्वारा कोई कर्मों को करता है, तो कर्ता अलग है करण अलग है और जो है जो क्रिया को संपादन कर रहे हो अलग है। तो कर्ति कार्यादि व्यवस्था अनुपत्ति, तो तुम्हारे यहाँ पर सब तो एक ही है तो व्यवस्था बन नहीं पाएगा। हमें दिखाई पड़ता है निमित्त कारण अलग, उपादान कारक अलग, और फिर उसको सहयोगी करने वाले अलग, और व्यापार अलग, ये सब अलग अलग भेद दिखाई पड़ता है, तो तुम्हारे यहाँ पर तो व्यवस्था बन नहीं पाएगा, एक ही है वहाँ पर। ऐसे शंका होने पर उसको उत्तर देता है, देखो कौन विकल्प श्लोक में, कल्पयत्यात्मनात्मानं देव स्वमायया, आत्मा देव स्वमायया, सैव बुद्धते भेदा, सैव बुद्धते भेदा, निति वेदांत निश्चयः, निति वेदांत निश्चयः, कल्पयत्यात्मनात्मानं आत्मा देव स्वमायया, सैव बुद्धते भेदा, निति वेदांत निश्चयः। देव मतलब दोतनाद देव, स्वयं प्रकाश आत्मदेव है ना, स्वयं प्रकाश आत्मदेव, स्वमायया आपने ही माया के द्वारा आत्मना आत्मानं कल्पयति, ठीक
ठीक है ना, अपने द्वारा और अपने को ही अनेक रूप में कल्पना करते हैं, अनेक इंद्र माया भी पुरुरूप मीयते। फिर एक अभ्यर्थन कैसे, तदस्वरूपम परिचक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, अभ्यर्थन को अपने ही अनेक विभूति माया को देखने के लिए, माया शक्ति को देखने के लिए उसने, परमात्मा ने अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त किया। श्रुति आधार पर ये बोलते, इसलिए क्या हुआ, ये जो आत्मदेव है वो आत्मदेव, देव शब्द प्रयोग किया क्यों, क्योंकि ये अपना स्वयं प्रकाश है। और माया शब्द क्यों प्रयोग किया, क्योंकि पारमार्थिक अपने को परिवर्तन नहीं किया, विवर्तवाद को दिखाने के लिए। तो आत्मा देव स्वमाया आत्मना आत्मान कल्पयति, अपने द्वारा अपने को अपने में ही कल्पना करता है, अपने द्वारा अपने को अपने में ही कल्पना करते हैं। घड़ा मतलब कुम्हार, घड़ा बनाने के लिए कोई एक स्थान चाहिए ना, घड़ा बनाने के लिए उस स्थान में बनाएगा वो, तो वो स्थान अलग है। घड़ा बनाने के लिए कुंभ मतलब सरिय चक्र दंड ये सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। घड़ा बनाने के लिए उपादान कारण अलग और कुम्हार निमित्त कारण सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे अकेला का बिना कोई है ही नहीं, तो करेगा कैसे, सृष्टि करेगा कैसे, बोलते हैं बस आपने आत्मदेव में ये सामर्थ्य है, अपने आप ही अकेले सब काम करते हैं, किसके स्वमाया की माया शक्ति से। इस प्रकार वहाँ पे मदद करने वाला कुमार की बेटा खच्चर जो मिट्टू करके लाते हैं, और दंड चक्र व्यापारी सब अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे माया में सारा सामर्थ्य है कि अपने आप अनेक करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आत्मा देव स्वमाया आत्मना आत्मानम कल्पयति। यहाँ पर समझना, आत्मना आत्मानम आत्मनि कल्पयति, अध्यय मतलब अपने में, अपने द्वारा अपने को अपने में आत्मदेव सब कुछ कल्पना करता है। भारत तो है नहीं कुछ उसको छोड़कर, इसीलिए क्या होता है, जो कल्पना किया हमें अपने मन में, जो जो कल्पना किया उस कल्पित वस्तु को मैं ही देखूंगा। स एव बुद्धते भेदा, उस आत्मदेवी ही वो जो भिन्नता को वही समझते हैं, दुष्ट को समझने वाला है नहीं, दुष्ट को समझने वाला है ही नहीं। इति वेदांत निश्चय, वेदांतिक क्षेत्र कोई बात नहीं, माने ना माने सही शास्त्र का निश्चय, ने वेदांत में ऐसा ही कहा गया। ये यहाँ पे हमारा कार्यकार ये कहना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक एक शब्द के लिए पदकृत करते हैं हमारे आनंद गिरि जी, एक एक पद का विपरीत अर्थ। तो कर्ति कार्यादि व्यवस्था अनुपत्ति परिहरति, ये जो आपने कहा था कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाएगा, ये जो कहा था उसका निषेध करने के लिए बोलते हैं, नहीं नहीं कल्पयति आत्मनात्मनम आत्मदेव स्वमाया अपनी माया। तो देखिए आप जैसे कुम्हार को घड़ा अथवा झोला को तंतु बनाने के लिए, पट बनाने के लिए कोई मशीन आदि चाहिए, उपकरण चाहिए, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, उसने बोलता है कर्णांतरम व्यवच्छिन्नति, दूसरा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निषेध करते हैं कौन कालिका का, कर्णांतरम अपने को छोड़ करके, माया को छोड़ करके कोई भी करण नहीं है वहाँ पे, व्यवच्छ किसे बोला आत्मना अपने ही तरह, वहाँ पे कल्पयति आत्मना, इसलिए आपने जरा अपने को व्यवस्था ऐसा कल्पना किया। फिर विषय किसको किसको बनाए, उपादान कारक है मृतिका रूपी विषय को आप घर में परिणत करते हैं, ठीक है ना, अपने आप किसको परिणत किया उसने, अपना आत्मा नाम अपने को, इसलिए पे बोलते हैं कर्मांतरम, कर्मांतरम विषयांतरम मतलब उपादान कारण के रूप में कोई दूसरा विषय भी नहीं है उनके पास, विषयांतरम व्यवर्तयति उसको भी निषेध करना है, ठीक है ना। कारणांतरम मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा कोई अपने छोड़ करके दूसरा कोई कारण नहीं अकेला ही, और विषयांतर मतलब कोई उपादान भी अलग नहीं है, ना कोई उपादान भी अलग नहीं, कर्म व्यवर्तयति आत्मा नाम। अब ठीक है, जिस प्रकार मतलब अब दूसरा कोई भी दो तीन व्यक्ति मिलकर मकान बनाया, तो यहाँ पे कितना व्यक्ति काम करते हैं, कितना व्यक्ति मिलकर के, कभी राजमिस्त्री कभी कारपेंटर कभी और लेबर आदि मिल करके, तो यहाँ पे उनके पास और कोई बनाने वाला इतना वाला सिस्टम को बनाया ना जाने कितना उसके पास कर्मी होंगे, तो बोलते नहीं कर्ति अंतर अनिवार्य, दूसरा कोई भी कर्ता नहीं है, कर्ति अंतर अनिवार्य मतलब कोई कर्ता तो वहाँ पे है नहीं। किस शब्द के द्वारा बोला, आत्मा अपने ही आप है, आप दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी दिखाई परमात्मा की, मतलब स्वयं अपने आप ही की, आत्मा तो स्वयं अपने आप ही जो है अपने आप की वही करता है, वही करता है, वही कर्म है, वही करण है, वही संप्रदान है, वही अपादान भी है, कुछ नहीं है उससे भिन्न, एक ही तत्व है। अभी इतना सारा भेद कैसे हो जाता है, वो तो उस तत्व के अज्ञान के कारण इतना सारा भेद की प्रतीति होती है, तत्व की ज्ञान होगा तो एक ही रह जाएगा, बस इतना ही है।
इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कर्ती अंतर, मतलब दूसरा कोई कर्ता बनाने वाला और कोई नहीं है, मदद करने वाले को निभा रहे थे आत्मदेव, इसलिए आत्मा ही अपना उसको बनाते हैं। अध्याय वहाँ पे बोला तस् दूतकांतर अपेक्षा प्रतीक्षपति, कुमार को बोलो, कुमार को बोलो तुम अकेला बैठ करके रात में बिना किसी प्रकाश से खड़ा बनाओ, बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाता है क्यों, ना कोई प्रकाश चाहिए। जो खनी में जो काम करते हैं ना कोयला, वो लोग क्या करते हैं, अब तो वहाँ पे कोई है नहीं, एक बेल्ट ऐसा बांधते हैं और यहाँ पे लाइट लगा उसके द्वारा खोल देते हैं, उसी का ही प्रकाश। यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे बस अपना आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए यहाँ पे देव शब्द प्रयोग किया। देव तस् दूतकांतर मतलब प्रकाशक, प्रकाशक अंतर, दूसरा कोई प्रकाश करने वाला उनके पास नहीं है। यदि अपेक्षा, इस अपेक्षा को निषेध करते प्रतीक्षित, यदि कोई कहता है वहाँ पे किस प्रकाश से काम किया, बोलेगा कोई प्रकाश की इसको अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि वो स्वयं प्रकाश, ये किसी अपेक्षा प्रकाश का अपेक्षा नहीं रखता। कोई आक्षेप किया उसका उसका उत्तर में बोल रहे हैं प्रतीक्षिपति, मतलब उसका आक्षेप उत्तर में बोल रहे हैं वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए होता है तस् द्योत का अंतर अपेक्षा प्रतीक्षिपति। चार नंबर टिप्पणी है वहाँ पे है ना, द्योत का इति मतलब प्रकाश इति अर्थ, दूसरा कोई प्रकाश नहीं है। कुलालस्य घट निर्माण प्रकाश अपेक्षा इति शंका उत्थान, कुलाल को घरा को निर्माण करने के लिए कोई ना कोई प्रकाश की तो अपेक्षा है, चाहे दिन की सूर्य की प्रकाश हो, चाहे रात में बिजली की प्रकाश हो, चाहे उनके पास अग्नि प्रकाश हो, परंतु प्रकाश के बिना तो काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आत्मदेव किस किससे काम किया, तो बस अपने प्रकाश, इसलिए देवा देव बोलो वहाँ पे, मतलब स्वयं प्रकाश है। फिर आगे क्या बोलते हैं, अब जो है कि परिणामवाद है कि विवर्तवाद है, कैसे निश्चय करोगे, बोलते हैं कि उनके पास परिणामवाद के लिए आपको कर्तव्य मतलब उपादान कारण निमित्त कारण भिन्न भिन्न, परिणामवाद के लिए उपादान कारण निमित्त कारण भिन्न भिन्न, तब यहाँ पे जो है बिल्कुल भिन्न होगा, बोलते हैं नहीं नहीं आप अकेला ही है, उससे भिन्न कोई नहीं है, इसे बोलते हैं विवर्तवादम दोतयति, विवर्तवाद मतलब अतात्विक अन्यथा भाव, अतात्विक अन्यथा भाव जिसमें तात्विक रूप में कोई भी परिणाम नहीं हुआ, तात्विक अन्यथा भाव को बोलते हैं परिणामवाद और अतात्विक अन्यथा भाव को बोलते हैं विवर्तवाद, अपने में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए भी अन्य रूप में दिखा देना, ये हो गया विवर्तवाद। और इसीलिए बोलते हैं विवर्तवाद को दूतन करने के लिए यहाँ पे क्या स्वमायया, देखिए मतलब जैसे आपको किसी को ये जो है न्याय वैशेषिक दर्शन को जगत बनाने के लिए परमाणु को लाना पड़ा, लाना पड़ा कि नहीं, नए वैशेषिक दर्शन को जगत बनाने के लिए परमाणु को लाना पड़ा, पूर्व मीमांसा दर्शन को जगत बनाने के लिए जीव की कर्मों को लाना पड़ा, सांख्य योग दर्शन को आपको जगत बनाने के लिए प्रकृति को लाना पड़ा, त्रिगुणात्मक प्रकृति को लाना पड़ा, वेदांति बोलते कुछ नहीं वहाँ, क्योंकि ये सब परिणाम बात को मानते हैं, वेदांति बोलते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अकेला आत्मदेव मतलब समर्थ है, किंतु आपने को जिस प्रकार रज्जु अपने को सर्प रूप में बदलने बदलने क्या काम करते, कुछ नहीं होता वो प्रतीति मात्र, इसीलिए हम यही बोलते हैं विवर्तवादम द्योतः यदि स्व माया या उसी को प्रकाश करने के लिए होता है, अपने ही माया शक्ति से अपने आप अपने को अनेक रूप, इंद्र ये बोला कि ये माया कहाँ पे आया, क्या उपनिषद में विवर्तवाद का, परंतु उपनिषद में विवर्तवाद शब्द तो नहीं आया, परंतु अपने आप श्रुति बोलती है इंद्र माया भी पुरु रूपमीयते माया तू प्रकृति विद्वान माहिनम तू महेश्वर, ये मायावाद तो वेदांतियों का नहीं है, मायावाद मतलब उपनिषदवाद। अब क्या हुआ आगे भी सर्वस्व मिथ्यात्व माया विकल्पित भेद अनुरोधेन कर्तृत्वादि व्यवस्था सिद्धति इति भाव, है ना, ये जो है ये सारा संसार मिथ्या होते हुए भी सर्वस्व मिथ्यात्व माया विकल्पित, माया से जो मतलब विकल्प भेद का जो विकल्प दिखाई पड़ता है, विकल्पित मतलब क्या बोलेंगे, आपका कुछ बुद्धि उत्पन्न तो होगा, वास्तविक वस्तु शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प, पुरुष का चैतन्य जैसा हम बोलते हैं आकाश बहुत सुगंधी है ना, आकाश कमल ऐसा हम बोलते हैं, कोई वृत्ति उत्पन्न होता है मन में, परंतु ऐसा वस्तु कुछ नहीं है, इसलिए बोलते हैं सर्वस्व मिथ्यात्वे अपि सारा संसार मिथ्या होते हुए भी माया विकल्पित भेद अनुरोधे न माया के द्वारा माया से जो अलग अलग भिन्नता दिखाई पड़ता है विकल्पित भेद उसके बल से कर्तृत्वादि व्यवस्था सिद्धति कर्ति कर्म करण आदि सब व्यवस्था सिद्ध हो जाता है।
ये इसके अंदर भाव है। तो आपको वहाँ पे पांच नंबर टिप्पणी भी दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। इसके ऊपर है पांच नंबर टिप्पणी, विकल्पित मतलब विरचित इतिहास, माया के द्वारा रचा गया है, विरचित विकल्प कल्पना किया गया। फिर आगे और देखिए टीका में, प्रमातृ प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्तिम करते, जो कोई कहता है कि प्रमाता प्रमेय प्रमाता प्रमेय प्रमाण इस प्रकार जो व्यवहार होता है प्रमाण, इससे जो विज्ञान उत्पन्न होता है इसको तो व्यवहार तो नहीं हो पाएगा, अकेले में कैसे हो पाएगा। प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु का प्रमा प्रमित उत्पन्न होता है, प्रमाता में प्रमाणों के द्वारा प्रमेय वस्तु का प्रमित उत्पन्न होते हैं, तो चार अलग अलग वस्तु होगी। यह बता रहे कि वस्तु को बोलते तो कैसे होगा, बोलते हमारे यहाँ पे माई भेद से सब काम चल जाता है, क्योंकि व्यवहार जब कल भी बताया था मैंने, जो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है वो वस्तु मिथ्या होता है, वो वस्तु मिथ्या होता है। इसीलिए ये प्रमाता के द्वारा जो कुछ व्यवहार हो रहा है वो कल्पित ही है। प्रमात्र प्रमाण आदि व्यवहार और अनुपत्ति उसको जो वो नहीं चलेगा, ऐ जो कहा था आपने उसके प्रति उत्तर बोलते हैं सैव बुद्धते, वही आपने आप अपने इस प्रकार मान लीजिए। आप यहाँ पे बैठ करके आप मन से कुछ कल्पना कर रहे हैं तो आप क्या कल्पना कर रहे हैं कौन समझेगा, वो आपकी मैं जो कल्पना कर वही ना समझेगा। हाँ आपका चेहरा देख करके थोड़ा इतना समझा जा सकता है कि आप अच्छा चीज सोच रहे हैं, मतलब जो सोच रहे हैं वो आपकी खुशी करने वाला है कि वो आपका अंदर टेंशन बनाने वाला, ये थोड़ा वो दूसरे व्यक्ति पता लगा सकते, परंतु आप जो भी सोच रहे हो तो आप याद जाने के लिए वो वहाँ पे बोलते हैं सैव बुद्धते भिन्ना, उस भिन्नता को वो अपने आप ही कुछ समझते हैं, दूसरे कोई नहीं समझते। और इसी से प्रमाण में व्यवहार करते स प्रमातृ प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्ति प्रति सैव बुद्धते भिन्ना। अभी देखिए इसको लिखते हैं, एकस्मिन एव अद्वितीय प्रतिचि वस्तुने काल्पनिक भेद निबंधना सर्वा व्यवस्था इति अत्र प्रमाणम आह, ठीक है ना। क्या बोला, एकस्मिन एव अद्वितीय प्रतिचि, एकस्मिन एव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, तीन शब्द प्रयोग किया, एकस्मिन एव अद्वितीय, तीन शब्द क्यों प्रयोग किया, सजातीय विजातीय सकल भेद से रहित जो प्रत्यगात्मा सजातीय सदैव संवेदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीय, उसी शब्द के यहाँ पूछा गया शब्द में विभक्ति में प्रयोग कर दिया, केवल वहाँ पे क्या था प्रथम विभक्ति में था सदैव संवेदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीय, ठीक है। पहले था यहाँ कुछ को बोलते हैं एकस्मिन एव अद्वितीय प्रतिशिवक्त प्रत्येगात्मा में प्रतिचि वस्तुनी, यहाँ प्रत्येगात्मा रूपी वस्तु है उसमें काल्पनिक भेद निबंधना, काल्पनिक भेद के कारण से सर्वा व्यवस्था हर प्रकार की व्यवस्था संभव हो सकता है यदि अत्र प्रमाण है। इस विषय क्या प्रमाण है, मतलब वेदांत प्रमाण है, वेदांत में बताए इस चीज़ को, वेदांत में बताए इस चीज़ को कि एक परमात्मा ही अपना कल्पना से वहाँ भी दिखाते हैं। देखो तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, मतलब जिसने सृष्टि किया सारा सृष्टि को अपनी कल्पना से बनाया, अपनी कल्पना से उसने ही इस शरीर में प्रवेश किया, यानी कि अंदर बैठ करके वही सारा चीज़ देख रहे हैं, सृष्टि के अंदर प्रविष्ट वही तत्व है। इसलिए बोलते हैं इति वेदांत निश्चय, इस प्रकार से वेदांत निश्चय। यहाँ तक जो है आनंद गिरी जी ने श्लोक में आए हुए एक एक पद का अर्थ कर दिया, श्लोक में आए हुए एक एक पद का अर्थ कर दिया। अब जो बोलते हैं अगले की भाष्यकार के उपद्घात, यथा घट स्रष्टा कुलालो अधिष्ठाता मृदो अन्न दृष्ट न तथा इह अन्न अधिष्ठाता अस्ति इति आह, ठीक है ना। जिस प्रकार घट की बनाने वाला जो कुलाल है ना कुंभकार, वो क्या है, वो अधिष्ठाता मतलब वो हो गया आपका निमित्त का, ठीक है ना। आप अधिष्ठाता छः नंबर के ऊपर देखो, अधिष्ठाता मतलब निमित्त का, ठीक है ना, वो अधिष्ठाता है निमित्त कारण है। और उसका जो है मृत उसका उपादान कारण वो उससे भिन्न होता है ना, निमित्त कारण उपादान कारण हमेशा भिन्न होता है। परंतु यहाँ पे तो आपके पास एकमेव अद्वितीय, ना कोई निमित्त है ना कोई अलग उपादान है, वो कैसे बनाएगा। ये हमेशा हमको सृष्टि में ही दिखाई पड़ता है कि निमित्त कारण उपादान कारण भिन्न होते हैं। अधिष्ठाता मृदो अन्न दृष्ट न तथा यह अन्न अधिष्ठाता, यहाँ पे उससे भिन्न करके दूसरा कोई निर्माण करने वाला मतलब निमित्त कारण तो कुछ है ही नहीं, उसको मन में रखते हैं। इस सारे शंका को निवारण करने के लिए मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आया हुआ है, यथा पूर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवति यथा सत्पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम्।
हमारे पास शंका होती है कि बिना उपकरण के कैसे बना सकते हैं परमात्मा। बोलते हैं उनना भी को देख लो, उनना भी लुटा की मकड़ी, उसको देख लो, उसका इंजीनियरिंग को देख लो। किसी का सहारा नहीं लेता वो, कोई इंजीनियर कोई आर्किटेक्ट को नहीं बुलाता, कोई कारपेंटर मशीनरी नहीं बुलाता, अपने आप ही सब कुछ बना करके उसी में फंसा रहता है, उसी में खाना पीना सब कुछ होता है। मतलब बिना किसी उपकरण के भी सृष्टि में बनाने का सामर्थ्य है। अच्छा फिर बोला यथा पृथ्वीव्याम औषधियो सजातीय सृष्टि, पृथ्वी के अंदर ना मकर उपकरण रहित सृष्टि, उपकरण रहित सृष्टि मतलब किसी भी दूसरे किसी का मदद लिए बिना ही सृष्टि करते, इसके लिए पहला दृष्टांत दिया। दृष्टांत दिया कि स्वजातीय सृष्टि, जिस प्रकार की गुण प्रकृति में पृथ्वी में है ऐसे तदनुकूल जो है होकर के वो बनता है स्वजातीय सृष्टि, विजातीय सृष्टि। क्योंकि हमारे क्या क्या दिखाई पड़ता है, कुछ जड़ दिखाई पड़ता है, कुछ चेतन दिखाई पड़ता है। सजातीय हो गया चेतन, विजातीय हो गया जड़, बोलते ऐसे भी वहाँ पर संभव है। विजातीय सृष्टि के लिए क्या है, यथा सत्य पुरुषार्थ केश लोमानी चेतन, पुरुष से नखून केश जब जैसे उत्पन्न होता है ऐसा होना संभव है। एक टट्टी गोबर, गोबर के अंदर कुछ तरह का कीड़ा उत्पन्न हो जाता है, गोबर तो जड़ पड़ा है, चेतन तक उत्पन्न होता है वहाँ से। आटा के अंदर कीड़ा उत्पन्न हो जाता है, पुरुष का लोम विजातीय सृष्टि, विजातीय सृष्टि। तो उपकरण रोहित सृष्टि, सजातीय सृष्टि, विजातीय सृष्टि, तीनों दृष्टांत तथा सतपुरुष तथा अक्षरात संभवति यह विश्व, इसी प्रकार से उस अक्षर तत्व से विश्व सृष्टि। इससे प्रमाण किया सगत भेद रहित, सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित पूर्ण पुरुष, उससे ही सृष्टि होता है। इसी से विवर्तवाद भी सिद्ध होता है, यथा घट स्रष्टा कुलालो अधिष्ठाता मृदो अन्नदृष्ट, जिसमें घट स्रष्टा कुलाल और उससे जो है अधिष्ठाता जो निमित्त कारण है, उससे मृत्तिका से वो भिन्न होता है, मृदो अन्नदृष्ट मृत्तिका से वो भिन्न है ऐसा दिखाई देता है। न तथा यह अन्न अधिष्ठाता, परंतु यहाँ पे मतलब उपादान कारण से भिन्न अलग कोई निमित्त कारण नहीं है, अकेला ही सब कुछ करता अस्ति। इति आहुषि को मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार बोलते हैं। अब भाष्य ठीक है, अब भाष्य प्रतिका स्वयं स्वयं स्वमायया सम आत्मानं आत्मदेव आत्मनि एव वक्षमानं भेद आकारं कल्पयति, ठीक है ना। ये तो हमारी प्रतिज्ञा वाक्य है, और दृष्टांत को क्या दे दिया, रज्जादो इव सर्पादीन, ठीक है। तो स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप, अपने आप परमात्मा स्वमायया अपने ही माया शक्ति से स्वम आत्मानम अपने आप को, स्वम आत्मानम अपने आप को, अभी वाक्य करता आत्मा देव ये परमात्मा रूपी स्वयं प्रकाश तत्व, आत्मनि एव अपने में ही, अपने में ही हम आत्मा, उसका कोई कोई जगह चाहिए ना बनाने के लिए, तो मतलब यहाँ पे कहेंगे बाहर बाहर कोई जगह तो है नहीं, तो अपने में ही आत्मनि एव वक्षमानम भेदाकारम, आगे बोला जा रहा है जो भेद भिन्नता को कल्पयति, भेद भिन्नता के आकार को कल्पना करते हैं। कैसे कल्पना हुआ भी ये दिखाई कैसे थे, बोलते हैं रज्जादो इव सर्पादि, जैसा भ्रांति स्थल में वस्तु नहीं होते हुए भी प्रतीति होती है ना। रज्जादो इव, रज्जु में सर्प, सुक्तिका में चांदी, मरुभूमि में पानी, अथवा स्थानों में पूर्व जितना भ्रांति स्थल है वहाँ पे आदि सब प्रदेश सब रज्जादो इव सर्पादीन, इस प्रकार रज्जादि में सर्पादि दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सर्पादीन बहुत सारे सर्प, बहुत सारे सर्प, ये जो दृष्टांत तो बोला ना वहाँ पे, ये कोई भी भ्रांति स्थल है। अच्छा दूसरी बात क्या है, अनेक सर्प नहीं है वहाँ पे, कोई सर्प कोई सर्प कोई जलधारा कोई ऊँची कोई दंड कोई माला, अलग अलग कल्पना इसे होता है सर्पादि कल्पना। इसी में एक ही सच्चिदानंद अधिष्ठान, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक ही सच्चिदानंद पूर्ण व्यापक तत्व के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, फिर उसी का विकार मतलब पहाड़ नदी मकान दुकान सारा कौन दिखाई पड़ रहा है, कोई एक ही तत्व तो दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई स्वरूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि एकस्मिन् एव अद्वितीय प्रतिचि वस्तुनि प्रत्येक आत्मा में। अच्छा इधर भी तो हो गया वहाँ पे इस लाइन में भाष्यकार वहाँ पे बोला कि स्वयं स्वम स्वमाया स्वम आत्मानम आत्मदेव आत्मनि एव आत्मा में ही वक्षमानम भेदाकारम कल्पयति, भिन्न भिन्न आकार को कल्पना करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे देखिए यथा टीका में तत्र, तत्र मतलब जो मृत्तिका आदि दृष्टांतों में मृत आख्यम उपादानम अधिष्ठातुर अन्नत अधिगतम,
ठीक है ना, वहाँ पे कॉमा कर देना। जैसे हमें सामान्य क्या दिखाई पड़ता है, जैसे मतलब दृष्टांतों में, जैसे दृष्टांतों में मृदक्षम उपादानम मृतिका नामम जो उपादान कारण है वो उपादान कारण अधिष्ठातु मतलब निमित्त कारण से अधिष्ठातुरी प्रातिपदिक है। क्या अभी को शब्द पूर्वक स्था धातु से त्रिच प्रत्यय किया अर्थार्थ में, अब त्रिण प्रत्यय नकार इत होता है तो री रह जाते हैं, तो हमें रिफड़ा की मंत्र रह जाता है। तो अब जो है मातृ शब्द का पंचमी अथवा षष्ठी वचन क्या होता है, मातु, इस प्रकार अधिष्ठातु, समझ में आए, अधिष्ठातु अधिष्ठाता से अधिष्ठातु अन्न भिन्न अधिगतम न तथा अत्र, जैसा वहाँ पे भिन्न दिखाई पड़ते हैं, समझ में आता है, न तथा इह, देखिए एक तत्र और इह, वहाँ पे जैसा दिखाई पड़ता है ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता। यह मतलब अस्मिन सृष्टो, उस सृष्टि में यह आधारो अन्न अस्ति, और आधार शब्द को लेकर के यहाँ पे बोलना है, मतलब कुलाल जहाँ पे बनाता है ना, उस जगह का वो जगह भी उस मृतिका और उपादान कारण निमित्त कारण से अलग होता है, इसलिए बोलता है यहाँ पे कोई आधार और भिन्न नहीं है। न अस्ति इति आह, इसको मन में रखते बोलते हैं आत्मनि एव, है ना, देखिए मूल में ये नहीं है, मूल में आत्मना आत्मानम आत्मदेव स्वमाया कल्पयति, एक तृतीयांत है, एक द्वितीयांत है, एक प्रथमांत है, प्रथमांत कर्ता, द्वितीयांत कर्म, तृतीयांत करण, परंतु अधिष्ठान तो चाहिए, कहाँ पर रह करके बनाओगे, किसी व्यक्ति को किसी चीज बनाने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो भाष्यकार ने उसको जोड़ दिया, तो कहाँ पे बनाने के लिए कहीं बाहर नहीं गया, अपने भी बना लिया, से बोलते आत्मनि, आत्मनि ये वही अर्थ, तो आठ नंबर टिप्पणी, अच्छा सात नंबर आठ नंबर दो टिप्पणी है ना, अच्छा सात नंबर तत्र, तत्र बोलते हैं तत्र लोके घटादि रचनायाम वा इति अर्थ, लोक में भी लोक व्यवहार में अथवा घटादि की सृष्टि के विषय में, ठीक है, लोक व्यवहार मतलब सामान्य किसी भी लोक व्यवहार में उपादान कारण निमित्त कारण उसका अधिकरण तीनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, है ना, उपादान कारण निमित्त कारण और उसका अधिकरण अलग अलग दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं लोके अथवा लोके मतलब इसी का अलग भी ले सकते हैं घटादि रचनायाम, ये लोके घटादि रचना मतलब घटादि सृष्टि में, है ना, रचनायाम सप्तमी एक वचन है, जो लोके सप्तमी एक वचन है रचनायाम वा इति अर्थ, कहाँ कहाँ लिखा है रचनायाम, क्या लिखा है बे अर्थ बा इति अर्थ, दो मात्रा तो वही तो नहीं दिखा है, एकार की मात्रा एकार की मात्रा नहीं है, तो वहाँ पे क्या है एक गुण हो गया बा इति, आकार की बात गुण बा इति अर्थ, फिर आठ नंबर टिप्पणी में आत्मनि एव इति, आत्मनि एव इति मतलब क्या हो गया स्वरूप अवस्थित एव इति अर्थ, अपने स्वरूप में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं करते हुए वही अधिष्ठान भी बन गया, वही अधिष्ठान भी बन गया, मान लीजिए जिस प्रकार देखिए एक कमाशाला में देखा एक बड़ा एनविल होता है, एनविल को ऊपर रख करके पीट पीट के कोई चीज़ को बनाते हैं, तो जिस चीज़ को बनाते हैं उसमें परिवर्तन होता है, परंतु एनविल में कुछ परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसको कुटस्थ बोला जाता, अच्छा इसी प्रकार एनविल जहाँ पर रखा हो दो मिट्टी को बनो ना कुछ दबाव आ जाता है, कुछ एक इंप्रेशन आ जाता है उसका, परंतु आप यहाँ पे ये जो अधिष्ठान कौन है शुद्ध चेतन तत्व, वही करता वही कर्म वही कर्म, तो जहाँ पे वो बनाया तो वहाँ पे कुछ इंप्रेशन आना चाहिए, बोलते ये भी होना संभव नहीं है, सर्वथा विकारी है, ऐसे मतलब आत्मा नहीं ये वही थी, आत्मा नहीं मतलब स्वरूप अवस्थित है, मतलब अपने स्वरूप में थोड़ा भी कोई विकार उत्पन्न किए बिना, अपने स्वरूप में थोड़ा भी कोई परिवर्तन किए बिना वो ऐसे ही उस रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आप आगे और बोलते हैं टीका में परिणाम वादम व्यावर्त्य विवर्त वादम प्रकटयितुम स्वमायया इति उक्तम तत्र दृष्टांतम आह, ठीक है ना, देखिए टीका को ठीक से आप कनेक्शन के साथ पढ़ते जाएंगे ना, टीका पढ़ते आप पढ़ते समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है, परिणाम बात को हटा करके व्यवर्त, परिणाम वादम व्यवर्त, परिणाम बात को हटा करके विवर्त वादम प्रकट है, तो हमारे वेदांतिक सिद्धांत का विवर्त बात, विवर्त बात को प्रकाश प्रकाश करने के लिए, प्रकट में स्पष्ट करने के लिए, वहाँ पे क्या शब्द दिया है स्वमायया, इसलिए जो स्वमायया इति उक्तम मतलब स्वमायया इति उक्तम के न उक्तम कालिकाकारेण पौर्वपादाचार्येण स्वमायया इति उक्तम तत्र दृष्टान्तम,
यहाँ पे जो अपनी माया से बनाया तो परिणामवाद है कि विवर्तवाद है, उसको भाष्कर दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे रज्जादो इव सर्वाधीन है ना, राज्य कोई भी भ्रांति स्थल में अधिष्ठान में कोई भी परिवर्तन किए बिना वो वस्तु अनेक प्रकार से दिखाई देते, ऐसे यहाँ पे समझ जाते हैं रज्जादो इव, रज्जो आदि में सर्पादि का भ्रांति जैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे टीका में आ जाइए, माया द्वारे न चिदात्मन जगत निर्मातृत्व उक्त्वा तस्य एव बुद्धि प्रतिबिंबितस्य प्रमातृत्व इति आह। यहाँ पे देखिए ये जो अभिन्नता जीव ब्रह्म ही बना, इस स्थिति को सिद्ध करने के लिए जिसने सृष्टि को बनाया, शास्त्र माया में क्या देखे उपनिषद में, स तत्सृष्टा तदेव्यानु प्राविशत स एष इह प्रविष्ट आनोखाग्रेभ्य यथा छूर छूरधाने विश्वम्भर विश्वम्भर कुलाये विधान उपनिषद एतमेव सीमानं विदार्य एतयादार प्रापद्यत। हाँ इतनी उपनिषद क्या दिखाए वहाँ पे, जिसने अपने को अनेक रूप में बदला वही अपने आप फिर इसके अंदर प्रवेश भी हो गया। तो वहाँ पे लंबा विचार किया, खरा से मृतिका बनने के बाद फिर खरा मृतिका में प्रवेश किया, ये करने से क्या अभिप्राय, बचा खुचा मृतिका घड़ा में भर दिया गया, तब तो घड़ा के व्यवहार ही नहीं होगा, तब ये बात नहीं है। मतलब केवल यहाँ पे प्रवेश सृष्टि इसलिए कहा जाता है कि अंदर बैठ करके भी ब्रह्म की अभिन्नता को दिखाने के लिए, परमात्मा को अगर आपको किसी व्यक्ति का एड्रेस बता दिया, क्यों बता दिया एड्रेस, अगर उस व्यक्ति के साथ आपको मिलना है तो आपको उसी एड्रेस में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। राम जी को अगर आप मिलना चाहते तो कहाँ जाएंगे, बाजार में जाएंगे कि रामकृष्ण आश्रम अथवा आनंद गिरी आश्रम में, नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये प्रणव कुटीर में जाएंगे, उसके उसके एड्रेस यहाँ पे। आप इसी प्रकार से परमात्मा की एड्रेस शास्त्र बता दिया, क्या बताया, वो उसी का अंदर प्रवेश किया था, सृष्टा तदेव अनुप्रवेश। तो आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका अंदर प्रवेश करना, सृष्टि के अंदर प्रवेश करना है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं तीन जगह पे हमें जो है तैतरीय श्रुति, बृहदारण्यक श्रुति, ऐतरीय श्रुति, तीनों जगह पे प्रवेश सृष्टि के दिखाई वहाँ पे, अभिकृत परमात्मा ही वहाँ पे प्रवेश किया ऐसा दिखाते हैं। मतलब वहाँ पे अलग करके भी प्रवेश का वहाँ पे भगवान भाष्यकार लंबा चौड़ा विचार किया, तैतरीय उपनिषद में विचार करके क्या दिखाया कि प्रवेश ऐसा कहना श्रुति का संभव नहीं है। तो क्यों कहती है श्रुति वहाँ पे, मतलब जो सृष्टि करता वही यहाँ पे दृष्टा श्रोता मंत्र अभिकता के रूप में बैठा हुआ है, इसको दिखाने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं देखो, माया द्वारे न चिदात्मन जगत निर्मातृत्व मुक्ता, माया के माध्यम से वो चैतन्यमय स्वरूप जगत का निर्माता है इस प्रकार कथन करके उक्त्वा, ठीक है, माया को माध्यम बना करके वो चैतन्यमय स्वरूप स्वयं प्रकाशात्मा जगत का निर्माता है इसको कथन करके, निर्मातृत्व जगत निर्माता मतलब निर्मातृत्व धर्म दिखाया गया है, परंतु वास्तविक निर्मातृत्व है नहीं वहाँ, तस्य वही परमात्मा है, तस्य मतलब उस चिदात्मा, यहाँ पे चिदात्मन षष्ठी वचन है ना, और यहाँ पे तस्य उसी चितात्मा का एव बुद्धि प्रतिबिंबितस्य, वो चितात्मा क्या होता है कि अंतकरण में प्रतिफलित होकर के चिदाभास हो जाता है, चिदात्मा क्या हो गया, चिदाभास हो गया है ना, बुद्धि में प्रतिफलित चित, इसे होता है बुद्धि प्रतिबिंबितस्य, वो क्या तब क्या व्यवहार होता है, तब जो यहाँ पे जो है मैं जी परिच्छिन्न प्रमातृ, मतलब मैं ये जानता हूँ, मैं यू जानती हूँ, प्रमातृत्व अपने में लाता है, इसलिए बोलता है जो सृष्टि करता है वही प्रमाता है, इसलिए हमें बोलते हैं कि माया द्वारे न चिदात्मन जगत निर्मातृत्व मुक्ता, माया के माध्यम बना करके चैतन्यमय आत्मा का क्या हुआ, जगत का निर्मातृत्व धर्म वहाँ पे है ऐसा कथन करके फिर क्या कहते हैं, तस्य उसी चेतन आत्मा का बुद्धि प्रतिबिंबितस्य, बुद्धि में प्रतिफलित होकर के प्रमातृत्व, वहाँ पे प्रमातृत्व धर्म आ जाता है। तो माया के द्वारा उसके अंदर क्या धर्म आया, निर्मातृत्व धर्म, माया के द्वारा निर्मातृत्व धर्म दिखाई पड़ता है, और फिर वो अंतकरण प्रतिफलित होकर उसमें क्या दिखाई पड़ते हैं, वो प्रमातृत्व दिखाई पड़ते हैं, एक ही तत्व तो जब अंतकरण प्रतिफलित माया को प्रतिफलित होकर के उसमें क्या दिखाई पड़ा, माया को ही तो चेतन, माया प्रतिफलित चेतन में निर्मातृत्व दिखाई पड़ा, ये ईश्वर ईश्वर। और जो है कि अंदर बैठ करके जो है जो अंतकरण प्रतिफलित हुआ तब उसमें क्या दिखाई पड़ा, प्रमातृत्व दिखाई, ये क्या प्रमाता जीव, अरे दोनों अभिन्न है, ये दोनों अभिन्न है। अब उपाधि के कारण दो अलग अलग नाम से कहा जा रहा है, एक में ईश्वरत्व और एक में जीवत्व,
परंतु दोनों के ऊपर प्रतिफलित हो रहा है, दिखाई प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सद वस्तु नहीं है, इसलिए अधिष्ठान रूप में दोनों एक ही तत्व है। इसी के बोलते हैं माया द्वारा चिदात्मन जगत निर्मातृत्व मुक्ता तस्व बुद्धि प्रतिबिंबित मातृत्व इति आवश्यक मान्य कहते हैं। स्वयं एवं च तान बुद्धते भेदान, वो जो अलग भिन्नता है ना वो जानता है कौन है, ये प्रमाता ही जानते हैं, जानते को हमारे अंदर प्रमाता, इसमें प्रमातृत्व कहाँ दिखाया, प्रमातृत्व सब जानने वाला जो होता है उसको प्रमाता बोलते हैं, तो प्रमातृत्व भी उसी में है क्योंकि वही वहाँ पर प्रवेश किया हुआ है। इसलिए स्वयं एवं अपने आप ही और अपने आप ही तान भेदान बुद्धते उन भिन्नताओं को है ना, वो भिन्नताओं को वो भेद को वही समझता है, वही समझता है। एक मजे की बात यह है देखिए कि वास्तविक भेद नहीं है, वास्तविक भेद नहीं है। तो एक पीठ के एक ऊंट के पीठ के अंदर अथवा किसी घोड़े के अंदर खच्चर लाद के बोरा बाहर के पत्थर ले जाए, आप सोच रहे हैं कि बहुत बोझ हो गया, एक उतर देता तो उसका बोझ में कितना परिवर्तन हो जाएगा, जब वो पूरा उतर जाएगा तभी बोझ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग भी जो है ना कि सोचते हैं साधन के द्वारा जन्मांतर अनादि पाप को थोड़ा कम कर लेंगे अथवा क्या है कुछ पुण्य आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे, तो इस प्रकार की वस्तु को दिखाने के लिए देखो पहले से ही आपके अंदर कभी कोई कमी आया ही नहीं, आपके अंदर कभी कोई पाप पुण्य के साथ संबंध हुआ ही नहीं, आत्मा सर्वदा संग है। वो वस्तु मतलब वो प्रतिफलित होकर के कहीं पे वहाँ पे सृष्टित्व दिखा, कहीं पे प्रमातृत्व दिखा, परंतु ना सृष्टित्व ना प्रमातृत्व आत्मा में कभी नहीं आया। परंतु जब तक हम इसको नहीं समझते हैं तब तक लगता है ये करो ये करो ऐसा करने से होगा ऐसा करने से लाभ होगा, ऐसा भाव मान्य होता है। किंतु सबसे अच्छा है कि किसी प्रकार से कुछ भी करने का इच्छा ना हो और बस अपने में रहे किसी प्रकार, वो बन उत्तम सहजावस्था सबसे अच्छी स्थिति है। परंतु वहाँ पे पहुँचने के लिए पहले तो कुछ आपको प्रयास करना पड़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे वेदांत समझने के बाद धीरे 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 सब छोड़ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि माया द्वारा न चिदात्मन जगत निर्मातृत्व मुक्ता तस्व बुद्धि प्रतिबिंबित प्रमातृत्व इति अह स्वयमेव च न च प्रमातृत्वस्य तात्त्विकत्वं रज्जादौ सर्पादि दर्शनवत् एव मिथ्यात्व निर्धारणात् इति आह। ठीक है ना, ये जो प्रमातृत्व हमें दिखाई पड़ रहा है इसको लेकर के मतलब बोले ना मैं अपने अंदर मैं पापी हूँ मैं अथवा मैं पुण्यात्मा कुछ भी मान लिया, प्रमाता जो भी कुछ हमने माना प्रमातृत्व माना, ये जो न च प्रमातृत्वस्य तात्त्विकत्वं, वहाँ पर कोई पारमार्थिकता नहीं है। क्योंकि देखो पहले बोल करके आया क्या बोला कि जहाँ पे रथ नहीं है वहाँ पे यदि आपको रथ दिखाई दे, यहाँ की जो रथ का ज्ञान वहाँ पे हो रहा है वो ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। न तत्र रथ न रथ योगाना पंथाना, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं अभावश्च रथ आदिना श्रूयते न पूर्वकम, चकार की तरह क्या कहा था कि रथ के भी अभाव है रथ के ज्ञान के भी अभाव है, परंतु हम उसको मानता हूँ मैं जान। इसी प्रकार ये प्रमातृत्व हमारे अंदर कभी नहीं आया, क्यों नहीं आया प्रमातृत्व, क्योंकि प्रमेय वस्तु ही नहीं है। राम जी को गाड़ी जाकर समझने के लिए थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, एग्जाम में क्या कहना चाहता है यहाँ पे सारा चिंता ही बदल जाएगा। प्रमातृत्व हमारे अंदर हम जानते हैं, ये जानता वो जानते हो, हमको अच्छा लगता है कितना जानने वाला भी, तो तुम्हारे अंदर प्रमातृत्व कुछ है ही नहीं, आत्मा में प्रमातृत्व नहीं है, प्रमातृत्व बुद्धि धर्म चिदाभास में बुद्धि के धर्म को लेकर के तुम अपने पर आरोप करके बोल रहे हो। इसलिए हमें बोलते हैं न च प्रमातृत्वस्य तात्त्विकत्व, प्रमातृत्व तात्त्विक नहीं है। कैसे तात्त्विक नहीं है, जैसे रज्जादो सर्पादि दर्शनवत्, ये देखिए रज्जादो सर्प नहीं बोला, रज्जादो सर्पादि दर्शनवत्, रज्जु के ऊपर जो सर्प आपको दिखाई दे रहा है वो सर्प ज्ञान आपका सही ज्ञान नहीं है, सर्प का नहीं है। इसी प्रकार ये जो आपको हिरण्यगर्भ से लेकर के चतुर्दश भुवन में जो भी कुछ जीव दिखाई पड़ रहे हैं और उसका ज्ञान हमें हो रहा है वो कोई पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, भ्रांति से प्रतीति होता है, इसीलिए आपको दिखाई लगता है कि मैं इसको जानू। ये जगह पे बहुत बड़ा झटका लगता है, ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, देखो स्पष्ट करके समझाता है, प्रमातृत्वम तात्त्विकत्वम रज्जादो सर्पादि दर्शनवत्, हमने कोई वस्तु को देखा उसको जाना, लज्जा के सर्प पद नहीं बोला, रज्जु में जो सर्प का ज्ञान हो रहा है आपको, तो मैं क्या बोलता हूँ मेरे को सर्प ज्ञान है वहाँ पे, मैं नहीं जाऊँगा सर्प है वहाँ पे, डरते हैं
वो ज्ञान ही मिथ्या है। इसलिए प्रमात्रित्व तुम्हें कभी आया ही वस्तु ही नहीं है, वो तो कल्पना किया तुम। इसीलिए आप बोलते हैं कि रज्जादो सर्पादि दर्शन बल एव मिथ्यात्व निर्धारण, वो भी क्योंकि वस्तु मिथ्या है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान, ये अधिष्ठान सच्चिदानंद के ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर के चतुर्दश भुवन सारा कल्पित, इस तत् संबंधित जो भी कुछ ज्ञान हो रहा है वो भी पारमार्थिक है। हमारी किताब में तात्विक इसके बाद एक टॉ था उसको पेंसिल से काट दिया, तात्विकत्व जो है ना हाँ। इसका बीच में एक टॉ लिखा हुआ है, मतलब टाइपोग्राफिकल प्रवृत्ति है। अच्छा, जो अच्छा प्रमात्रित्व से तात्विकत्व, तात्विक टॉ का बाद एक टॉ फिर बड़े, अच्छा दो प्रकार हो गया था वो एक काट दिया, एक काट आपका किताब में नहीं है, नहीं है थर्ड एडिशन में, अच्छा सेकंड हम सेकंड एडिशन है तो काट अच्छा प्रमात्रित्वस्य तात्विकत्व है ना, प्रमात्रित्व रज्जादो सर्पादि दर्शनवत एव मिथ्यात्व होगा नहीं ना, ना नहीं होगा तात्विकत्व। अच्छा अच्छा प्रमात्रित्वस्य तात्विकत्व, अच्छा तात्विकत्व अच्छा तात्विकत्व, आप समझ गया मैं, एक टकार लिखा हुआ है हाँ कटा हुआ है हाँ कट जाएगा वो, काट दीजिए उसको ठीक है ना, तात्विक तत्व ना ना तत्व नहीं तात्विकत्व, रज्जादो सर्पादि दर्शनवत एवं मिथ्यात्व निर्धारण तद्वत, वहाँ पे आ जाइए फिर ऊपर भाष्य में स्वयं एव च तान बुद्धते भेदान, उसके बाद ठीक है ना, तद्वत एव इति एवं वेदांत निश्चय है ना, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जो भी जागतिक वस्तु का ज्ञान हो रहा है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान भ्रांति वातोमिथ्या ज्ञान होने के कारण आत्मा में प्रमात्रित्व धर्म का भी नहीं आया, उपाधि से लेकर उपाधि के धर्म को लेकर के हमने अपने को प्रमात्र मान लिया, प्रमात्र धर्म आत्मा में नहीं है, इसलिए बोलता है इति एवं वेदांत निश्चय, इस प्रकार से वेद की अंतभाग में ऋषियों की ऐसे निश्चय है, इति एवं वेदांत निश्चय, वेदांत निश्चय में अमय अंत का तीन अर्थ होता है, अंत मतलब एंड, अंत मतलब बीच में और अंत मतलब द क्रीम जिस्ट सात, तीनों अर्थ में प्रयोग होते हैं अंत शब्द। तो आप देखिए वेदांत मतलब वेद के अंदर भी है, वेद के अंतभाग में भी है और पूर्ण वेद का तात्पर्य भी है, मध्यभाग कैसे आएगा अंत में, वेद के अंतपाती है वेदांतपाती, वेद में वेद का भाग क्यों, वेद का अंतपथ क्यों, वेद अगर हम नहीं कहेंगे तो ये प्रामाणिकता नहीं हो पाएगा, एक वेद के अंतोपथ दूसरे क्या है, वेद के अंतिम शीर्ष भाग में है, अंतिम भाग में है मतलब कर्म उपासना के बाद ही समझ में आते हैं, और थर्ड क्या है, इसलिए तात्पर्य उसमें ही है, मुख्य तात्पर्य उसमें है, इस प्रकार से यहाँ पे इति वेदांत निश्चय, इस प्रकार वेदांत का ये निश्चय है वेद के अंतिम निश्चय, तद्वत तद्वत इति एवं वेदांत निश्चय। अब बोलते हैं न अन्न अस्ति ज्ञान स्मृति आश्रय, इसलिए क्या हो गया, ये ज्ञान और स्मृति की आश्रय है ना, ज्ञान मतलब अनुभवात्मक ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान माना, एक दो प्रकार ज्ञान होता है माना, एक अनुभव ज्ञान एक स्मृति ज्ञान, अनुभव ज्ञान स्मृति ज्ञान, इसलिए दोनों प्रकार की स्मृति के आश्रय अथवा अनुभव के आश्रय एक ही है, क्योंकि किसी को अनुभव हुआ किसी को स्मरण हो रहा है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको अनुभव होता है उसी का स्मृति होते हैं, तद विषय पुरुषिक होते हैं, इसलिए स्मृति और अनुभव के आश्रय एक ही तत्व है, इसलिए ना अन्न अस्थि ज्ञान स्मृति अस्थि से भिन्न कोई ज्ञान और स्मृति के आश्रय कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पीते का भी कर्त्यादि भेदस्य प्रमात्रादि भेदस्य च मिथ्यत्व नेह नानास्ति इत्यादि, वो एक कोटेशन होना चाहिए, कौन सा नेह नानास्ति किंचन ठीक है ना, इत्यादि श्रुति नेह नानास्ति किंचन, वेदांत को भी आया हुआ है इसमें कठोपनिषद भी आया है दोनों जगह आया है, नेह नानास्ति इत्यादि श्रुति प्रमाणयति, इस श्रुति को प्रमाण के रूप में भगवान भाष्यकार दिखाते हैं ठीक है, कर्तादि भेदस्य है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान, इस प्रकार जो भेद दिखाई पड़ता है एक इसका, और दूसरा क्या प्रमात्रादि भेदस्य प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमात्रमिति इसका ठीक है ना, इसका च मतलब इसका तो गौरव गण हो गया, कर्त्यादि भेदस्य प्रमात्रादि भेदस्य च, मतलब कर्ता कर्म करण ये भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इसी प्रकार प्रमाता प्रमेय प्रमाण ये भी कोई पारमार्थिक, दोनों का ही
मिथ्यात्व न प्रमाण भेदस्य मिथ्यात्व ये जो मिथ्या है पारमार्थिक नहीं है, इस विषय में क्या प्रमाण है? नेह नास्ति किंच मृत्यु सा मृत्यु आपनोति यह नाना की पश्यति। वो निंदा करती है श्रुति भेद दर्शन की, यहाँ पे निंदा है, भेद है ही नहीं, भेद रहित में जो भेद देखना इस श्रुति निंदा करते तभी जाकर के आप एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु सा मृत्यु आपनोति यह नाना इव पश्यति नेह नास्ति किंच मनसा एव इदम् आप्तव्यम् नेह नास्ति किंच। मन से आपको निश्चय करना है कि यहाँ पे कोई भेद नहीं है। मनुष्य एव इदम् आप्तव्यम्। देखो वहाँ पे एक बार क्या बोलते हैं, नैव वाचानां मनुष्य प्राप्तुं शक्तुं न चक्षुषा। और वही श्रुति क्या बोलते हैं, मनुष्य एव इदम् आप्तव्यम् नेह नास्ति किंच। जो भेद दर्शन करता है उसको मृत्यु प्राप्त। हाँ, भेद दर्शन को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। मृत्यु से मृत्यु मापन होती एक मृत्यु से जो भेद देखने में कौन है, कौन सा बहुत सुंदर समाधान दिया भामतिकार। बोलते हैं देखो एक श्रुति, क्योंकि वो अच्छे हर एक दर्शन के ऊपर तद अनुकूल होकर के टीका लिखते हैं। तो बोलते हैं एक ही श्रुति बोलते हैं, नैव वाचा न मनुष्य प्राप्त शक्तु न चक्षुष। श्रुति बोलते हैं कि न मन से न मनुष्य प्राप्त नहीं करते। वही श्रुति क्या बोलते हैं, मनुष्य एव इदम् आप्तव्यम्। यानी कि विषय आसक्त मन के द्वारा कुछ भी नहीं समझा जा सकता, अशुद्ध मन के द्वारा वही तत्व को निश्चय कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ये कर्तादि भेदस्य प्रमात्रादि भेदस्य च मिथ्यात्वे। ये कर्तादि जो भेद दिखाई पड़ता है, कर्तादि में क्या है, कर्ता कर्म करण संप्रति भेद, और प्रमात्रादि भेद मतलब प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति, यहाँ तक भी लाना पड़ेगा आपको प्रमिति है ना, प्रमिति जो भेद दिखाई पड़ना चाहे मिथ्या थे। श्रुति क्या है, नेह नास्ति किंचन इत्यादि श्रुति प्रमाण है। श्रुति को प्रमाण के रूप में दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्या दिखा रहे हैं, इति एवं वेदांत निश्चय। ये वेदांत निश्चय वेदांत वाक्य से निश्चय किया। स एव बुद्धते भेदान, वहाँ पे जो स एव में एव का इति एव कर अर्थम आह, वहाँ पे स एव बुद्धते भेदान एव का क्या होता है, निश्चय अर्थ करने है ना, वास वही अन्न जो व्यवच्छेद है यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है वहाँ पे। ये वकार आपको बताया था एक दिन कि अत्यंत अजोग व्यवच्छेद अन्नजोग व्यवच्छेद और तीन प्रकार, एवकार विशेष्य के साथ अन्वय होगा, एवकार विशेषण के साथ अन्वय होगा, एवकार आपका क्रियापद के साथ अन्वय होगा। वहाँ पे बोलते हैं नील उत्पल भवती एव अत्यंत अजोग व्यवच्छेद है यहाँ पे, है ना, मतलब उत्पल नील रंग नहीं होता ऐसा कोई शंका करते नहीं, नहीं नील उत्पल भी होते हैं। शंख पांडुर एवं अजोग व्यवच्छेद, मतलब शंख और किसी रंग का सफेद रंग का ही होता है, विशेषण के साथ जुड़ा हुआ, और पार्थ एवं धनुर्धर विशेष के साथ जुड़ा हुआ, अन्नजोग व्यवच्छेद पार्थ के साथ धनुर्धर या कोई नहीं, यहाँ पे अन्नजोग व्यवच्छेद स एव दूसरा कोई नहीं है यहाँ पे, वही परमात्मा वही आत्मा आत्मा तत्व यहाँ पे देखते अन्नजोग व्यवच्छेद अन्न के साथ जुड़कर निषेध कर लेंगे आप। बताया मैंने कभी एव का अत्यंत अजोग व्यवच्छेद ये हो गया आपका इसके साथ क्रियापद के साथ नील उत्पल भवती एव भवती है, और एक आया आपका शंख पांडुर एव अजोग व्यवच्छेद, मतलब सफेद के बिना दूसरे रंग के ये नहीं होता, शंख होता ही नहीं। पांडु तो सफेद में पांडु पांडु यहाँ तो सफेद अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो इसका यही नाम है बहुत निगम। यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है स एव मतलब नाउन के साथ हुआ ना, जैसे पार्थ एव प्रणाम हुआ मतलब विशेष्य के साथ हुआ, यहाँ पे वही बुद्ध थे
इसलिए आप ये अन्न कचक अन्न अन्न जो बच्चे दूसरा कोई यहाँ पे नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि कट्टादि भेद से प्रमादि भेद से च मिथ्यते नेहनास्ति इत्यादि सुखि प्रमाणते इति एव वेदांत विषय स एव इति एवकार अर्थम अह सेवकार के अर्थ मूल में एवकार है उसका अर्थ करते हैं न अन्नो अतो अस्ति दृष्टात्मा। ये जो बोलते हैं ना श्रुति न अन्नो अतो अस्ति दृष्टा उसी काम पे क्या बोलते हैं न अन्नो अतो अस्ति ज्ञान स्मृति आश्रय ज्ञान और स्मृति के आश्रय अधिष्ठाता उससे भी चेतन के बिना दूसरा कोई है ही नहीं। अब देखिए आप सुंदर करके मिला मतलब मिला करके बोल रहे हैं जह जगत सृष्टा यश्च प्रमाता ततो अन्न ज्ञान स्मृतिश्च आश्रय नास्ति। जो जगत को बनाया जगत बनाने वाला जिसको जगत का ज्ञान हो रहा है ततो अन्न उससे भिन्न करके दूसरा कोई ज्ञान स्मृति का आश्रय भी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो बनाना चाहता है वो व्यक्ति उसको स्मरण करके फिर बाद में बनाता है, इसलिए उस ज्ञान और मतलब जिसको हम बनाना चाहते हैं उस ज्ञान और उसका स्मरण ये उसका आश्रय वही व्यक्ति है जिसने बनाया जिसका आप देख रहे हैं हाँ हमारा बना ठीक हुआ कि नहीं हुआ, व्यवहार में ही दिखाई पड़ता है ना। मैंने कोई चीज़ मन से सोचा और फिर उसको मैंने बनाया, फिर बनाने के बाद मैं खुद देखता हूँ कि सही हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान और स्मृति की आश्रय मतलब स्मरण के बनाना है उसको ज्ञान जता फिर मैंने स्मरण के ऐसा बनाना है फिर हमने बनाया, बनाने के बाद फिर मैं ही जो है मैं सृष्टा भी बना मैं प्रमाता भी बना देखा उसको, इसीलिए हमें बोलता है ज्ञान और स्मृति के आश्रय दूसरा भिन्न कोई नहीं है। जो जगत सृष्टा जश्च प्रमाता था तो अन्य ज्ञान से स्मृतिश्च आश्रय नास्ति। क्यों चेतन भेद मान अभावा। अब बताओ यहाँ पे कि ये जो जिस व्यक्ति को इस चीज़ का अनुभव किया उसी को तो उस वस्तु का स्मरण होगा, तो जो व्यक्ति हमको ऐसा लगता है क्या कि अपने अनुभव से देखो आपने को ऐसा लगता है क्या कि जो मैं कल अनुभव किया था कि इस व्यक्ति ने मेरे को मिला था उसी व्यक्ति आज मैं उसको यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं भी बदल गया क्या, वही मैं हूँ, यानी कि चेतन के भेद में भिन्नता नहीं है। और जिसको जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होता है, जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होता है, इसलिए बोलते हैं चेतन भेद मान अभावा। समझा रहे अनुभव स्मृत्योश्च एक आश्रय तस्य प्रसिद्धत्व। अनुभव और स्मृति का आश्रय एक होता है लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है इसका, अनुभव और स्मृति की आश्रय एक ही होता है लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है, इसलिए चेतन भेद मान अभावा। 9 नंबर टिप्पणी सृष्टु प्रमात्र अभेद हेतु मान सृष्टा और प्रमाता, ठीक है ना। सृष्टा क्यों बोल रहा है यहाँ पे कि मैं कैसे वस्तु को बनाऊंगा है ना, उसको चिंतन किया विचार किया फिर प्रमाता मान तो फिर उसको मैं देख रहा हूँ कि ठीक बना कि नहीं बने। सृष्टा और प्रमाता अभेद अभिन्न हेतु मान चेतन भेद मान अभाव, चेतन में भिन्नता की प्रमाण है। और तद विपरीत श्रुति क्या बोलती है इति तत् सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, ठीक है ना, उसका सृष्टि करके उसी के अंदर प्रवेश कर दिया, सृष्टिकर्ता वाला एक क्षण क्या चेतन तत्व है, प्रवेश करने के बाद जो प्रमातृत्व आ रहा है वो चेतन तत्व है। प्रवेश से क्या कहना चाहता है यहाँ पे सृष्टित्व प्रमातृत्व अभिन्न है, क्यों जिसने सृष्टि किया उसने प्रवेश किया, जिसने प्रवेश किया तो अपने सृष्टि को अपने आप देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं चेतन भेद मान अभावादि सृष्टा प्राविशत इत्यादि स्तुति विरोध नहीं उसके साथ विरोध हो जाएगा। प्रत्यक्षादि अमान मिति भाव, अंत हमको तो दिखाई पड़ते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, हमने बोलते हैं कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना ये मतलब उस व्यवहार के लिए आप बोल सकते हैं, परंतु प्रत्यक्ष में आप ये भी देख लीजिए कि जिसको स्मृति होते हैं वो उसका पहले अनुभव हुआ तभी हुआ, यानी कि चेतन एक ही चेतन में जो है अनुभव और स्मृति होते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं अलग अलग चेतन दिखाई पड़ता है, प्रमाता तो अलग अलग होते हैं, वो कुछ अलग जानते हैं हम कुछ अलग जानते हैं, वो बुद्धि उपाधि को लेकर क्या बोल रहे हैं, पर उसका अंदर चेतन है जिसके कारण से देखिए इस पेन को हमने जाना इसको आपने जाना तो आपने पेन को नहीं जाना इसको जाना, तो आपके ज्ञान का विषय अलग होगा, मेरा ज्ञान का विषय प्रमाण हो गया पेन हो गया, आपका ज्ञान का विषय पुस्तक हो गया, परंतु इन दोनों के अंदर जो मैंने पेन को जाना और आपने अपने अपने में सोची मैं पुस्तक को जानी जो ज्ञातृत्व ला दिया, पेन को मैंने जाना पेन में जो ज्ञातृत्व ला दिया, पुस्तक को आपने जाना जो वो अलग नहीं है वो चित्र वो सच वो चित्र अलग नहीं, इसको मन में रखने बोलते हैं कि चेतन भेद मान अभाव अनुभव स्मृत्य से अत्य प्रसिद्ध टिप्पणी में बोलते हैं चेतन भेद मान अभाव विरोध प्रत्यक्षा भी अमान मिति भाव, प्रत्यक्ष में जो भेद दिखाई पड़ता है औपाधिक भेद दिखाई पड़ता है प्रामाणिक नहीं है। एक दिन तार्किक मतम विध्वस्त, अभी जो तार्किक मत में कहता है जीव को अनेक मानते हैं, सांख्य दर्शन में पुरुष को अनेक माना, लोक दर्शन में भी अनेक माना,
है ना। और न्याय मीमा को पुरुष अनेक नहीं है, प्रकृति अनेक है, पुरुष अनेक है। दस नंबर टिप्पणी, अनुभव स्मृति का आश्रय अभेद हेतु मान, अनुभव स्मृति के आश्रय में अभिन्नता के कारण क्या है? क्या कारण है कि अनुभव स्मृति से एक आश्रय तो प्रसिद्ध में दिखाई पड़ता है। इससे क्या होगा, अनेन विज्ञानवादी परास्त, इससे जो लोग जो है बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, बुद्धि को आत्मा मानते हैं, उसके सिद्धांत भी खंडित हो जाते हैं। कौन लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं? बुद्धिवादी, विज्ञानवादी बहुत उसे बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान स्मृतियों आश्रय अपेक्षा विषय अपेक्षा वा नास्ति इति आशंका बाधित प्रसिद्ध विरोधात् मैव इति आह। ज्ञान स्मृतियों आश्रय, ज्ञान स्मृतियों आश्रय अपेक्षा विषय अपेक्षा वा नास्ति इति आशंका। देखिए ज्ञान और स्मृति इन दोनों का कोई आश्रय, क्योंकि विज्ञानवादी बोल तो आश्रय आत्मा को नहीं मानते हैं, विज्ञान को ही मानते हैं। ज्ञान का भी आश्रय और स्मृति का भी आश्रय कोई चेतन तत्व है, जैसे होता है ज्ञान स्मृत्यु आश्रय अपेक्षा और विषय का अपेक्षा। आपको किसी विषय का ज्ञान होगा, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मट का ज्ञान, और जहाँ पे होगा कोई उसका आश्रय, यहाँ इस व्यक्ति को घट का ज्ञान है तो चौपट का ज्ञान हो, अलग अलग जगह। इसलिए बोलते हैं ज्ञान स्मृत्य आश्रय अपेक्षा विषय अपेक्षा व नास्ति, अपेक्षा नहीं रखता एक इति आशंक कि क्या बोलते हैं इति आशंक अबाधित प्रसिद्ध विरोधा। मतलब यहाँ पे देखिए अबाधित प्रसिद्धि घटम अहम जाना में इत्यादि रूप, मतलब मैं जो घट, ये देखिए अबाधित ज्ञान क्या है कि मैं घट को जाना, घट घट में ज्ञान तो चला दिया। घटम अहम जाना में अयम घट, ये घरा है, ये ज्ञान है, और अहम घटम अहम जाना में ये दूसरा ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान बोलते हैं इसको। इसके लिए ये जो है अनुव्यवसाय ज्ञान के साक्षी से होता है। इसलिए हमें बोलते हैं कोई एक आश्रय पीछे है जिसके ऊपर ये दोनों व्यापार हो रहे हैं, जिसके रहने का भी व्यापार हो पा रहे हैं। अबाधित तो प्रसिद्धि, प्रसिद्धि बाधित नहीं होता, अपने में आप देख सकते हो अपने आप ही प्रसिद्धि बाधित नहीं होता, तो सबका अनुभव में आता है। इसलिए बोलते हैं घटम अहम जाना में इत्यादि, इसलिए बोलते हैं अबाधित प्रसिद्धि विरोध विरोध हो जाएगा। माई वंशी ये ज्ञान स्मृति की एक आश्रय है और एक आश्रय शुद्ध चेतन व्यापक है। ये न च निरास्पदम, निरास्पद एव ज्ञान स्मृति, ये निरास्पद है किसी पुस्तक में ज्ञान अथवा स्मृति। वैनाशिका नाम इव, जिस प्रकार बौद्ध दर्शन अथवा हमारा नए वैशिष्टिक वैनाशिका नाम भी बौद्ध दर्शन मुख्य रूप से होता है, इव इति अभिप्राय, ये इसके अंदर अभिप्राय है। ठीक है ना, यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी में देखो बोलते हैं क्षणिक विज्ञानवाद विध्वस्त ज्ञान स्मृति पृथक उपाधत, क्षणिक विज्ञानवाद के निराकरण करने के लिए ज्ञान और स्मृति, क्योंकि इसका अलग आश्रय नहीं मानता है, विज्ञान को आत्मा मानता है, पृथक उपाधत। ज्ञान स्मृति मतलब अनुभव, स्मृति दो प्रकार की ज्ञान होता है। वैनाशिका नाम मतलब वैनाशिका नाम सस्य एव ज्ञानत्वा, वो वैनाशिक क्या होता है, वो अपने आप ज्ञान क्षणिक जो प्रत्येक क्षण में नाश होता है। आश्रय आस्पद मतलब आत्मा, कोई आधार के बिना, कोई ज्ञान का भी कोई आधार है और स्मृति का भी कोई आधार है। विज्ञानवादी बुद्ध उसको नहीं मानता, उससे विज्ञान कोई बस वही कोई आधार है मानते हैं, तो कर्म करती दोष होता है। वैनाशिका नाम सर्वस्व एव ज्ञानत्वात् न ही ज्ञान स्मृति और आश्रय अंतर, वो सभी ज्ञान को ही मानते हैं, विज्ञान को ही मानते हैं, इसलिए ज्ञान स्मृति का अलग अलग आश्रय नहीं मानता। इति निरास्पदा, तो निरात्मवाद आ जाता है, निरास्पद मतलब निरात्मवाद आ जाएगा, आत्मा नाम अलग कोई आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है। ग्राहोरे समुद्रे दुर्लभं भूलयेतोर्यस्तं पूज्यामि पूज्यं परमगुरुं पादपादेन तोष्मि।